तो ही व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हम फिर से लेके आ चुके हैं एक फ्री शॉट 315 का रिव्यू, और ये शॉट दोस्तों स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो गाइज मैं आपको मल्टीप्लेयर के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ इस शॉट के बारे में ए टू जेड। तो गाइज लाइव प्रूफ के साथ तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आना है सेटिंग में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 o'clock पे शॉट है, और बस फ्रंट फुट पे शॉट अवेलेबल है, फ्री शॉट है, खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे बैट्समैन के लिए शॉट एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि किस किस लेंथ को ये शॉट कनेक्ट करता है, तो देख लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख लीजिए। यॉर्क लेंथ की बॉल को बिल्कुल ये कनेक्ट करता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और गाइज मैं बता दूँ कि ये फुलर लेंथ को भी कनेक्ट करता है, और गुड लेंथ पे गाइज ये फ्लिपर, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन जो होता है गेंद, ये सबको कनेक्ट करता है। लेकिन टॉप स्पिन, गुगली, कैरम होगा तो भाई ये गुड लेंथ पे कनेक्ट नहीं होगा, और फास्ट बॉलर की इन स्विंग, आउट स्विंग को कनेक्ट करता है, बाकी किसी भी बॉल को कनेक्ट नहीं करता है गुड लेंथ पे, बाकी फुलर लेंथ और यॉर्कर पे सबको कनेक्ट करता है। पोजीशन की बात करें तो देख लीजिए, आपको बॉल अगर सीधे रहे तो बॉल से एक स्टेप की दूरी रखनी है, और अगर बॉल ज़्यादा बाहर निकल रही हो, कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग के सामने है, तो बिल्कुल बॉल के लाइन में मैं चला गया हूँ, और उसके बाद गाइज ये शॉट खेला हूँ। अगर बॉल बाहर निकल रही हो तो आप बॉल के लाइन में रहिएगा, बॉल अगर अंदर आ रही हो, मतलब कि बॉडी के अंदर आ रही हो, तो आपको एक स्टेप की दूरी रख के खेल लेना है। तो भाई ये हो गया आपका अच्छे तरीके से पोजीशन। अब बात करते हैं टाइमिंग की, तो गाइज टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी शॉट हो तो आप लोगों के सामने देख लीजिए, फास्टर की तेज गति की गेंद है, तो भाई एकदम हाथ से भी छूटने वाली है, छूटी उठी बिल्कुल भी नहीं है, छूटने वाली है, उससे पहले आपको खेलना है, बिल्कुल भाई ध्यान रखना, उससे पहले खेलना है फास्ट बॉल को, तब जाके आप परफेक्ट टाइम दे पाओगे। वहीं अगर फास्टर की धीमी गति की गेंद है, देख लो बिल्कुल जीरो पेस की बॉल है यहाँ पे, तब देखो आपको कैसे खेलना है, हाथ से गेंद थोड़ी सी जब रिलीज हो जाएगी तब आपको खेलना है। अगर फास्टर की बिल्कुल धीमी गति की गेंद हो तो हाथ से गेंद रिलीज हो जाएगी तब आपको खेलना है, और तेज गति की गेंद हो तो हाथ से छूटने से पहले खेल देना है, मतलब कि बिल्कुल छूटने वाली होगी तब। अब यहाँ पे देखते हैं स्पिनर की धीमी गति की गेंद को, देख लो एक बिल्कुल पीच होने से पहले खेलना है, स्पिनर की धीमी गति की गेंद को पीच होने से पहले खेलना है, तब जाके आप परफेक्ट टाइम दे पाओगे, और स्पिनर के अगेंस्ट ये शॉट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप परफेक्ट टाइमिंग नहीं भी करोगे तो भाई चौका मिल जाता है कभी कभी, तो आप देख लीजिए तेज गति की गेंद हो तो हाफ पिच पे खेलना है, अगर स्पिनर की तेज गति की गेंद हो तो आपको हाफ पिच पे खेलना है। और मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि ये जो शॉट है वो कैरम, गुगली, टॉप स्पिन को गुड लेंथ पे कनेक्ट नहीं करता है, लेग स्पिन, फ्लिपर, इन सारे शॉट को कनेक्ट कर लेता है। और अगर टाइमिंग नहीं करोगे गाइज तो ये जितने डायरेक्शन है ना गाइज आगे वाले, यहाँ पे हमेशा फील्डर रहते हैं, टाइमिंग नहीं करोगे बिल्कुल आउट हो जाओगे, तो भाई उसमें किसी का दोष नहीं है, आपको टाइमिंग करना ही पड़ेगा। तो गाइज ये हो गया इस शॉट का पूरा डिटेल, फिर भी अगर कुछ आप छूट रहा हो और आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मल्टीप्लेयर के अंदर हम अपने तरफ से गाइज हम अपने अकॉर्डिंग पूरे चीज़ का रिव्यू करते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे।